आज की रेसिपी कुछ खास है, एकदम जालीदार बाजार जैसी। आज हम घर पर ही खमन ढोकला बनाएंगे, एकदम स्पॉन्जी आप देख रहे होंगे, तो इसमें जाली पड़ी हुई है और एकदम स्पॉन्जी है। और इसी के साथ एक खट्टा मीठा पानी भी बनाएंगे। सारे तरीके इसी वीडियो में देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, बजट की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पानी बनाएंगे, तो यहाँ पर 2 चम्मच हम तेल डालेंगे। तेल रिफाइंड लेंगे या सरसों का ले सकते हैं। 1/2 चम्मच यहाँ पर हम नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच शक्कर डालेंगे, 2 पिंच यहाँ पर हम हल्दी डालेंगे, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे और एकदम ही लिक्विड फॉर्म में आ जाए तब तक हमें मिलाना है। उसके बाद हमें इसमें पानी ऐड करनी है। पानी हम उसी कप से लेंगे जिस कप से हम बेसन लेंगे। 1 कप पानी, 1.5 कप बेसन लेना है। ये दोनों का क्वांटिटी होनी चाहिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हमें इसमें बेसन मिला देना है। बेसन को आप अलग से भी मिलाकर फिर ऐड कर सकते हैं, इससे गुठलियाँ इसमें नहीं पड़ती हैं, लेकिन हम आज इसी में मिलाएंगे। ध्यान रहे कि दोनों का जो माप है बराबर लें, जिससे कि आपका खमन ढोकला अच्छा बने। बेसन को अच्छे से मिलाने के बाद हम यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच सूजी लेंगे, इससे इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा आएगा। और ये देखिए, इस तरह का हमें स्ट्रक्चर चाहिए। चम्मच पे आसानी से लाइन बननी चाहिए। अब इसे ढककर 10 मिनट के रेस्ट के लिए रख देंगे। एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम पानी डालेंगे। जिस बर्तन में हमें ढोकला बनाना है उसके पेनी के थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, नहीं तो इसके अंदर जाएगा। उसे ढककर पानी को उबलने देंगे। यहाँ पर जिस बर्तन में हम ढोकला बनाने वाले हैं उसे अच्छे से तेल से चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना तो भूल ही गई थी कि अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ पर हमारा जो बेसन का घोल है वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से दिखा रही हूँ कि ये कितना ठीक और कितना पतला। बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो इसे बनाने में काफ़ी दिक्कत होगी, पकाने में काफ़ी समय लगेगा। और बहुत ही अगर थिक कर देंगे तो वो अच्छा नहीं, स्पॉन्जी नहीं बनेगा। तो इस तरह का बैटर हमें हमारे खमन ढोकले के लिए चाहिए। तो ये देखिए, तो एक बार आपको और दिखा रहा। यहाँ पर एक इनो सेसे लेंगे। इनो सेसे की जगह आप कुछ अलग सी तरीके हैं जो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर हमने 1 कप बेसन लिया हुआ है, तो 1/2 सेसे हम यहाँ पर इनो का ऐड करेंगे। अच्छे से इनो को इसमें मिलाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि ये कितना अच्छे से बैटर फूल गया है। ये देखिए, इस तरह से हमें एक ही डायरेक्शन में मिलाना है। और ये देखिए इसकी थिकनेस, ये परफेक्ट हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हमने जिस बर्तन को ढोकले के लिए तैयार किया था उसमें हमें इसे 1/2 से थोड़ा ज़्यादा भरकर डालना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भरना है। यहाँ पर हमारा पानी भी अच्छे से उबल चुका हुआ है, तो यहाँ पर हमारा बर्तन काला ना पड़े इसलिए यहाँ पर 1/2 नींबू डालेंगे। और इस तरह से जाली रखेंगे। यहाँ पर जाली रख के भी बता रही हूँ, अगर जाली रखते हैं तो काफ़ी समय लगेगा इसे पकने में, 15 से 20 मिनट वैसे भी लग जाते हैं, लेकिन अगर आप बिना जाली के रखेंगे तो ये 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। देख रहे होंगे तो ये हल्का सा फूल गया है। अब हम इसे जाली को हटा देंगे और डायरेक्ट ही इसे पानी में रखेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है और इसे ढककर 15 मिनट के लिए और पकाना है। जब तक ये पक रहा है तब तक हम इसके लिए टेस्टी पानी
तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल डालेंगे, आधा चम्मच यहाँ पर राई डालेंगे, आधा चम्मच जीरा। सारी जीरे और राई को अच्छे से स्प्रिंकल होने देंगे। उसके बाद हमें इसमें दो हरी मिर्च कट करके बीच में से डालना है। इससे इसका टेस्ट खट्टा मीठा और चटपटा आएगा। एक हमने नींबू आधा काट कर इसमें निचोड़ दिया हुआ है और एक चम्मच यहाँ पर शक्कर डालेंगे जिससे इसका मीठा टेस्ट आएगा। उसके साथ ही इसमें 3-4 कड़ी पत्ती डालेंगे और बारीक धनिया डालेंगे काट कर, जिससे ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। आधा गिलास पानी डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से उबाल लेंगे। एक उबाल आने तक हमें इसे अच्छे से उबालना है और उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। तो हमारा ढोकला बनकर तैयार हो गया है। आप लोगों को बीच बीच में चेक करना है, जब टूथपेस्ट या चाकू से अच्छे से क्लीन निकल रही हो तभी हमें गैस की फ्लेम को बंद करके ठंडा करके उसके बाद इस तरह से कट कर लेना है। यहाँ पर मेरा कैमरा बंद हो गया था और मुझे पता नहीं था, जिसकी वजह से मैं आपको वो डिटेल में नहीं दिखा पाई, उसके लिए सॉरी। और उसके बाद हमें इस तरह से खमन ढोकले को कट कर लेना है और जो हमने टेस्टी और चटपटा पानी बनाया था उसे इस पे गरम गरम डाल देना है, जिससे कि अंदर तक एकदम ही जो पानी है खमन ढोकले के अंदर जाए और टेस्टी और रसेदार हमारा खमन ढोकला बने। तो इस तरह से आप खमन ढोकला बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप 15 से 20 मिनट में ये खमन ढोकला बनकर तैयार हो जाता है। हम बाज़ार से लाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, पूरे परिवार को आटता भी नहीं है। इस तरह से अगर बनाते हैं तो पूरा परिवार 1.5 कप बेसन से इंजॉय कर सकता है खमन ढोकले को। तो आपने देखा कितना आसान तरीके से हमने यहाँ पर खमन ढोकला बनाया है। थोड़ा सा धनिया से हम इसे गार्निश कर देंगे। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। फिर ऐसी ही शानदार रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये मेरी रिक्वेस्ट है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों के साथ नई नई रेसिपी बजट में रहकर सिखाने के लिए। तो मिलते हैं एक झटपट सी अपनी एक शानदार रेसिपी के साथ।